मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू ऑल आर फाइन. नाउ आई एम रुचि, अ मैथमेटिक टीचर. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर मार्क्स बुक एंड नोटबुक एंड राइट टूडेज डेट ऑन योर मार्क्स नोटबुक एंड टॉपिक इज चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट थॉट ऑफ द डे. नाउ थॉट ऑफ द डे इज, इफ यू वॉन्ट टू बी मोर पावरफुल इन लाइफ, एजुकेट योर सेल्फ. इट्स दैट सिंपल. आई रिपीट माई थॉट ऑफ द डे. If you want to be more powerful in life, educate yourself. It's that simple. So students, write down today's thought on your maths notebook. And in previous video, we have completed exercise 3.2, question number 2. Now in today's video, we have to do addition and subtraction together. आज हम क्या करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आज हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें एडिशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन भी होगी और हमें एक साथ सॉल्व करना है. सो ओपन पेज नंबर 38 ऑफ योर मार्क्स बुक. नाउ टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. वाइल डूइंग अ सम वेयर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इन्वॉल्व, वी फर्स्ट रीअरेंज द नंबर्स विच आर टू बी एडेड एंड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट. जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर्स को रीअरेंज करते हैं. मींस आपको जो नंबर गिवन होते हैं उसे आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखते हो. फिर उसके बाद आप क्या करते हो? एडिशन करते हो. पहले स्टेप क्या होता है आपका? एडिशन का. फिर एडिशन करके आपके पास जो नंबर आता है उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो जो आपको नंबर गिवन होता है इक्वेशन में, वही आपका एंड रिजल्ट होता है. नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास एग्जांपल 1 गिवन है, सॉल्व 87,963 प्लस 10,569 माइनस 23,021. नाउ दिस इज एग्जांपल 1 इन योर मार्क्स बुक पेज नंबर 38. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर मार्क्स नोटबुक. आपको मार्क्स की नोटबुक में भी करना है. नाउ क्वेश्चन एग्जांपल 1, फर्स्ट वी फाइंड द सम. आपको कभी भी ये इक्वेशन दे रखे होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सम निकालेंगे. यू हैव टू फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ 87,963 एंड 10,569. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू एडिशन. आपको क्या करना है? एडिशन करना है. आपके पास नंबर्स गिवन है, आपको एडिशन भी गिवन है, साथ में सब्ट्रैक्शन भी गिवन है. तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू डू एडिशन. पहला स्टेप होता है आपको एडिशन करना है. नाउ 87,973 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 9,650 and 1. So student, put the sign of addition. Now first we have to write a place value chart. Place value chart. Now this is ones, this is tens, this is 100, this is 1000 and this one is 10,000. Now first add the number. Now in ones column we have 3 and 9. Ones column mein hamare paas kya hai? 3 and 9. So 3 plus 9 is 12. So you have to write 2 here. And one will go in a carry in the tens place. One कहाँ जाएगा? Carry में जाएगा, tens place में. Now 1 plus 6 is 7 and 7 plus 6 is 13. 7 plus 6 is 13. Now 3 is here and 1 will go in a carry in the 100 place. Now in 100 place you have 1, 9 and 5. So 1 plus 9 is 10 and 10 plus 5 is 15. So you have to write here 5 and 1 will go in a carry in the 1000 column. Now 1 plus 7 is 8 and 8 plus 0 is 8. अगर आप किसी भी नंबर को 8 से प्लस करते तो आपका वही नंबर सेम नजर आता है. नाउ अब आपके 1000 कॉलम में क्या है? 10,000 कॉलम में 8 एंड 1. आपके 10,000 कॉलम में क्या है? 8 एंड 1. सो 8 plus 1 is 9. Now students, listen carefully.
आपके एग्जाम्पल वन में आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ था। अगर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ होते तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको एडिशन करना होता है। एडिशन करके जो आपका आंसर आएगा उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो नंबर आपको इक्वेशन में गिवन होगे उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे जो नंबर आपको इक्वेशन में गिवन होगी। नाउ यू हैव टू राइट नाउ फ्रॉम द सम, नाउ फ्रॉम द सम, नाउ फ्रॉम द सम वी सब्ट्रैक्ट द नंबर, वी सब्ट्रैक्ट द नंबर 23,021। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारा सम आ गया, अब हम इस सम से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नंबर जो हमारे इक्वेशन में गिवन होगी। हमने एडिशन तो कंप्लीट कर दिया, अब एडिशन करने के बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ राइट डाउन ऑन योर मार्क्स नोटबुक, नाउ फ्रॉम द सम वी सब्ट्रैक्ट द नंबर 23,021। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। एडिशन करके हमारा क्या रिजल्ट आया था, 9,8,5,9,8,5,3,2 एंड सब्ट्रैक्शन में हमारी क्या इक्वेशन है बच्ची, 2,3,0,2,1। नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। So first of write place value of each digit. First of all we have to write place value of each digit. 10 this is 100, this is 1000, this one is 10,000. Now we have to do subtraction. Now in ones column we have given 2 and 1. So 2 minus 1 is 1. Now in tens column we have given 3 and 2. So 3 minus 2 is 1. Now in 100 column we have given 5 and 0. So 5 minus 0 is 5. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वही नंबर सेम एज इट इज आता है। सो 5 minus 0 is 5. Now next is 8. In 1000 column we have 8 and 3. So 8 minus 3 is 5. Now next 9 minus 2. 9 minus 2. In 10,000 column we have given 9 and 2. So 9 minus 2 is 7. Now 10,000 column 9 minus 2 is 7. So we have to write in the 10,000 column 7. Now look here, we get the answer 75,511. So we get the answer 75,511. So this is the answer of example 1. So you have to do on your maths notebook. Now next we are doing example 2. Next is example 2. Solve 96,325 next is minus 23,014 and 14 and again subtraction ka sign hai 51,110. Now students listen carefully, now example 2 mein hamara kya hai, pehle hamare paas addition and subtraction ek saath tha, ab hamare paas kya hai subtraction and subtraction ek saath hai, subtraction and subtraction ek saath hai. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो इक्वेशन जो आगे की दो इक्वेशन होगी पहले हम उससे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर जो आएगा उसे हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारी थर्ड नंबर है, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा थर्ड नंबर है। नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ राइट डाउन ऑन योर मार्क्स नोटबुक सॉल्यूशन, हियर वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, हियर वी फर्स्ट subtract, here we first subtract 23,014 from 96,325.
Now students, listen carefully. अब आपके क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन में क्या लिखा है? Here we first subtract 23,014 from 96,325. अगर आपके क्वेश्चन में आपके सॉल्यूशन में या क्वेश्चन में कहीं भी फ्रॉम आता है, डेट मीन्स आप क्या करते हो, जो आपका सेकेंड नंबर होता है, जो आपका सेकेंड नंबर होता है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है फर्स्ट नंबर से. सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि आपका ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है स्मॉलर नंबर से. तो आपको यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है, सो दैट मीन्स आपका सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट नंबर से. नाउ लुक हियर, यू हैव टू राइट हियर 9, 6, 9, 6, 3, 2, 5, नेक्स्ट इज 2, 3, 0, 1 and 4. नाउ पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. नाउ राइट हियर प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ वी हैव टू यूज प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ दिस इज 1s, 10s, 100, 1000 and next one is 10,000. Next one is 10,000. Now we have to do subtraction. Now look here in ones column. First column is ones. Now in ones column we have 5 and 4. So 5 minus 4 is 1. So we have to write 1 in the ones column. Now next we have to move to the tens column. Now tens column is 2 and 1. So 2 minus 1 is 1. So we have to write in tens column 1. Now next we have to move to the 100 column. Now in 100 column we have 3 and 0. So 3 minus 0 is 3. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वही नंबर एज इट इज आता है. सो दिस इज द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज 1000 कॉलम. नाउ इन 1000 कॉलम वी हैव 6 एंड 3. सो 6 माइनस 3 इज 3. नाउ नेक्स्ट इज 10,000 कॉलम. वी हैव 9 एंड 2. सो 9 माइनस 2 इज 7. नाउ आंसर इज 73,311. Now from the difference we subtract 51,110. Now from the difference, we subtract 51,110. Now from the difference we subtract 51,110. Now we have given a difference. हमें ये given है difference. अब इसका use करके हमें subtraction करना है. Now look here कैसे होगा. Now जो डिफरेंस हमारा आया था उसका यूज करके हमें सब्ट्रैक्शन करना है. नाउ डिफरेंस इज 7, 3, 3, 7, 3, 3 and 1, 1. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट राइट अ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. नाउ दिस इज 1s, 10s, 100, 1000 एंड नेक्स्ट वन इज 10,000. नाउ द डिफरेंस इज, नाउ इन इक्वेशन कौन सा नंबर लेफ्ट है, 5, 1. The third number is left, so write here 5, 1, 1 and 0 and put the sign of difference. Now in ones column we have 1 and 0. Ones column में हमारे पास क्या है, 1 and 0 है. तो अगर मैं 1 को 0 से subtract करूँ मेरा answer क्या आएगा, 1 आएगा. Next is tens column. Next क्या है, tens column में मेरे पास क्या है, 1 and 1. So 1 minus 1 is 0. Now next we have 100 column. Now 100 column में मेरे पास क्या है, 3 and 1. So 3 minus 1 is 2. Now next is 1000 column. 1000 column में मेरे पास क्या है, 3 and 1. So 3 minus 1 is 2. Again in 10,000 column I have 7 and 5. 10,000 column में मेरे पास क्या है, 7 and 5. So 7 minus 5 is 2. So the answer is 2, 2, 2 and 0 and 1. So the answer is 22,201. Now next we are doing checking subtraction by addition. Now
Now next topic is checking subtraction by addition. Checking subtraction by addition. Now this is in your page number 39 of your maths book. Now as addition is the inverse of subtraction. Addition क्या होता है? Inverse होता है, means opposite होता है subtraction के. We can check any subtraction sum with the help of addition. अगर हमें check करना है कि हमारा subtraction सही है कि नहीं है, तो हम किसका use करेंगे? Addition का. किसका use करते हैं? Addition का use करते हैं. Minion minus subtrahend is equal to difference. Minion minus subtrahend. Minion क्या होता है? जो greater number होता है, उसे हम minion कहते हैं. जो स्मॉलर नंबर होता है, जो हम सेकंड प्लेस में लिखते हैं, वो हम सबटेंड कहते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. और डिफरेंस प्लस सबटेंड. अगर हमें चेक करना है कि हमारा सबट्रैक्शन करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस प्लस सबटेंड. डिफरेंस को प्लस करेंगे सबटेंड से, तो हमारा क्या आएगा? मिनियट एज अ आंसर आएगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन एग्जाम्पल 3. सो राइट डाउन एग्जाम्पल 3 ऑन ए मैथ्स नोटबुक. Subtract 56,986 from 98,975 and check the answer by addition. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले subtraction करना है, उसके बाद हमें check करना है कि हमारा answer correct है कि नहीं है. So students, write down example 3 on your maths notebook and write here solution. Solution. Now we have 98,975 and 56,986. Now students, 98,975 is a greater number, so we have to write in our first place. क्या है 98975? क्या है? एक greater number है, तो हमें कहाँ लिखना है? First place में लिखना है. और 56986 क्या है? एक smaller number है, then 98,975, so we have to write in the second place. Now next step is we have to write place value chart. Now this is ones, tens, hundred, thousand. Next one is 10,000. 10,000. Now look here in ones column we have 5 and 6. Ones column में हमारे पास क्या है? 5 and 6 है. So 5 is smaller than 6. 5 क्या है? 6 से छोटा है. अगर मैं tens column से carry लूँगी तो tens column आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. अगर मैं टेंस कॉलम से बोरो करूंगी तो टेंस कॉलम 6 हो जाएगा और आपका वंस कॉलम क्या हो जाएगा? 15. 10 नंबर ऐड हो जाएंगे तो 10 प्लस 5 इज 15. सो 15 माइनस 6 इज 9. 15 माइनस 6 इज 9. सो आपकी वंस कॉलम में क्या आया? 9. नाउ नेक्स्ट इज आपके टेंस कॉलम में 6 एंड 8 है. 6 इज स्मॉलर देन 8. 6 इज स्मॉलर देन 8. सो आप कहाँ से बोरो करोगे? आप बोरो करोगे 100 कॉलम से. कौन से कॉलम से बोरो करोगे? 100 कॉलम से. तो आपका 100 कॉलम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. और आपका टेंस कॉलम क्या हो जाएगा? 16. सो 16 माइनस 8 इज 8. सो आपका टेंस कॉलम में क्या आ गया? 8. अब आप 100 कॉलम देखोगे तो आपके 100 कॉलम में क्या है? 8 एंड 9 है. 8 एंड 9. सो 8 इज स्मॉलर देन 9. 8 क्या है? 9 से छोटा है. तो अगेन आपको बोरो लेना पड़ेगा 1000 कॉलम से. अब आप 1000 कॉलम से बोरो लोगे तो आपका 1000 कॉलम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. और आपके 100 कॉलम में 10 ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18. नाउ 100 कॉलम विल बिकम 18. सो 18 माइनस 9 इज 9. नाउ इन 1000 कॉलम 7 एंड 6. अब 1000 कॉलम में क्या है? 7 एंड 6. सो 7 माइनस 6 इज 1. Now 7 is greater than 6, so it can easily subtract. Now in 10,000 column there is 9 and 5. Ab 10,000 column mein aapke paas kya hai? 9 and 5 hai. So 9 minus 5 is 4. Agar aap 9 ko 5 se subtract karoge, aapka answer kya aayega? 4. So 41,989 aapka subtract karke aaya. So you have to write on your maths notebook the difference of 98,975 and 56,986 is difference kya hai hamara? 41,989. So this is the difference. Now if we add this difference to the subtrahend, we get the minion.
अगर हम इफ वी एड, अगर मैं एड करूं इस डिफरेंस को, इफ वी एड दिस डिफरेंस, दिस डिफरेंस, डिफरेंस इज, if we add this difference 41,989, if we add this difference to the subtrahend, to the subtrahend, अगर मैं इस difference को add करूं subtrahend के साथ, to the subtrahend, subtrahend, now subtrahend is 56,986, now the subtrahend is 56,986, we get the minion. मुझे क्या मिलेगा as a result? Minion. We get the minion. Now listen everyone. The difference of 98,975 and 56,986 is 41,989. So this is called difference. ये आपका क्या होता है difference? इसे हम क्या कहते हैं difference? ना 98,975 जो आपका ग्रेटर नंबर होता है वो आपका मिनियन होता है, जो आपका स्मॉलर नंबर होता है वो आपका सबट्रेंड होता है. नाउ द डिफरेंस ऑफ 98,975 एंड 56,986 इज 41,989. इफ वी एड दिस डिफरेंस, अगर हम एड करेंगे इस डिफरेंस को सबट्रेंड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? मिनियन मिलेगा. क्या मिलेगा? मिनियन एज अ रिजल्ट. सो स्टूडेंट्स राइट दिस एग्जांपल ऑन योर मास नोटबुक. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू चेक द आंसर. अब हमें चेक करना है कि अवर जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है वो करेक्ट है कि नहीं है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें डिफरेंस को एड करना है सब्ट्रेंड से. अगर हमारा मिनियन आता है दैट मीन्स हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है? करेक्ट है. नाउ लुक हियर, now we have to write here, now next we have to write here 41,989. First we have to write the difference 41,989. So this is the answer. जो हमारा difference था उसे हमने first number में लिखा. अब हमारा जो subtrahend है, subtrahend हमारा क्या है? 5,6. जो हमारा सेकेंड नंबर में, मीन जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसे हम सबट्रेंड कहते हैं. नाउ दिस इज सबट्रेंड, दिस इज कॉल्ड सबट्रेंड. नाउ दिस होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए? मिनियन के इक्वल. सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड नेक्स्ट वन इज 10,000. नाउ डू द एडिशन. नाउ 9 + 6 इज 15, सो 5 and 1 will go in a carry. Now in tens column 1 + 8 + 8. Tens column में हमारे पास क्या है? 1 + 8 + 8. So 1 + 8 + 8 is 17. Now in 100 column we have 1 + 9 + 9. So 1 + 9 is 10 and 10 + 9 is 19. So right here 9 and 1 will go in a carry in a 1000 column. Now 1 + 1 is 2 and 2 + 6 is 8. Now write 8 in the 1000 column. Now next we have to move. अब हम क्या जाएंगे? 10,000 column. अब 10,000 column में हमारे पास क्या है? 4 and 5. So 4 plus 5 is 9. So we get answer 98975. Now look here, this is the answer and we have to check it कि ये same minion में minion के equal है कि नहीं है. Now look here, 98975. Now this is सेम एज मिनियन. ये क्या है? किसके इक्वल है? मिनियन के इक्वल है. डेट मीन्स हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है? करेक्ट है. सो राइट डाउन द गिवन सम, द गिवन सम शोज अवर अवर आंसर इज करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन एग्जाम्पल 1, 2 and 3 on your maths notebook. Your homework is write down example 1, 2 and 3
on your maths notebook. Maths notebook. मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराया इस वीडियो में, आपको वो एग्जाम्पल अपनी मैथ्स की नोटबुक पे करना है. नाउ यू हैव टू डू एग्जाम्पल 1, 2, 3 ऑन योर मैथ्स नोटबुक. दिस इज योर होमवर्क.